एक महिला आईएएस घूंघट डालकर पहुंचती है अस्पताल, जिसके बाद सच्चाई पता लगने पर उड़ जाते हैं सभी के होश। आपको घटना भी बताएंगे कहाँ की है और कौन है ऐसी आईए अफसर जो घूंघट निकाल कर अस्पताल पहुंची है। चलिए शुरुआत करते हैं खबर की। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। अभी तक आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि कोई अफसर औचक निरीक्षण करने के लिए गोपनीय तरीके से मौके पर पहुंच जाता है, जिससे कोई उसे पहचान नहीं सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ऐसा रियल लाइफ के अंदर ही हो चुका है। SDM अफसर कृतिराज एक सरकारी अस्पताल के हालात को देखने के लिए घूंघट निकालकर मरीज बनकर वहां पहुंच जाती है। जानिए फिर वहां पर क्या होता है, पूरा मामला क्या है। दरअसल यह अनोखा मामला फिरोजाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीदामई का है, जहां कुछ दिन पहले आईएएस अफसर कृतिराज शिकायत मिली थी कि यहां पर मरीजों से अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर न तो ठीक से व्यवहार करता है, न ही समय पर इलाज देता है। एक मरीज ने यह जानकारी दी, एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए यहां पहुंचते हैं, अस्पताल के मरीजों की लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन डॉक्टर वहां पर मिलते नहीं है। बस इसी शिकायत पर हकीकत का पता लगाने के लिए SDM अफसर वहां पर पहुंच जाती है, वह भी घूंघट निकालकर, ताकि किसी को पता नहीं लगे। बता दें कि IAS अफसर कृतिराज जब अस्पताल पहुंची तो चुपचाप तरीके से घूंघट डालकर लोगों की लाइन में पर्ची कटवाने के लिए खड़ी हो गई। कुछ देर बाद पर्ची कटवाई और डॉक्टर से मुलाकात भी हो गई, लेकिन डॉक्टर ने उनके साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं किया। इसके अलावा और कई ऐसे सीन देखने को वहां पर मिले जो नियमों के खिलाफ थे। काफ़ी सारी दवाइयां एक्सपायर होने के बाद भी स्टोर के अंदर वहां रखी मिली। जब वो मरीज के भर्ती वाले वार्ड में पहुंची, वहां पर गंदगी का आवार लगा हुआ था, शौचालय बेडशीट सब गंदे थे। इतना ही नहीं, रजिस्टर तो उसके अस्पताल के कई कर्मचारियों के वहाँ पर सिग्नेचर नहीं थे, यानी अनुपस्थित थे। लेकिन इतना सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यह पूरा मामला 12 मार्च का है, जब IAS अफसर कृतिराज अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी। लेकिन जब उन्होंने अपना सही परिचय दिया और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ में हड़कंप मच गया। दनादन सभी कर्मचारी काम पर जुट गए और साफ सफाई भी उन्होंने करवा दी, लेकिन SDM अफसर ने दो टूक कहा, आगे से अगर लापरवाही की शिकायत मिली तो सभी पर उचित कार्रवाई करेंगे। अनोखा जांच करने का तरीका IAS ने अपनाया है। अगर इसी प्रकार सभी IAS अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो चाहे SDM हो, वे वेश बदल कर किसी भी कार्यालय में, अस्पताल के अंदर, नगर परिषद के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर और पंचायत समितियों के अंदर, अन्य ऐसे जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, अगर हकीकत का पता लगाना है तो ऐसे अगर चले जाएं और ऐसे चलने की प्रवृत्ति डाल दें तो बहुत कुछ जो हालात लोग बताते नहीं हैं और अधिकारियों के द्वारा बताया नहीं जाता है, वह सब कुछ सामने आ जाएगा और जो पोल पट्टी विभागों में चलती है वह बंद हो सकती है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जिन भाइयों ने अभी तक कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सीधी खबर पहुंच सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।